Hello friend, today Audio World is going to share another video on syllabus and marking scheme of a English subject. As I have shared a previous video on syllabus of social science, I hope you have watched that video and would like your suggestion of if any material or any other requirement is possible from my side. So today I am going to share you with the English syllabus and marking scheme and your paper pattern. So your English paper has two textbook. First is the first flight. In this first flight you have 11 chapters: A Letter to God, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Two Stories About Flying, From the Diary of Annie Frank, The 100 Dresses Part 1, The 100 Dresses Part 2, Glimpse of India, Mujibi the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon of Banaras, and The Proposal. So this is your first book, and the second book is Footprint Without Feet. In this you have 10 chapters: A Trumps of Surgery, The Thief's Story, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprint Without Feet, The Marking of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, Bowley, The Book That Saved the Earth. So this is total 21 chapters of two books. You have to cover 21 chapters and you have two textbooks for your English. So now let's discuss what is the marking scheme of your English paper. So this is a English language and literature. Code number for the paper is 184 for class 10th, and it is syllabus of 2020-21. So here is a section wise weightage in English language and literature. So section A, that is reading section, will have a total weightage out of 80 as 20 marks. And then section B, that is writing skills with grammar, will have 30 marks. And section C, literature textbooks and supplement reading text, will have 30 marks. So it is overall total 80 marks. तो आपका जो पेपर आएगा वो तीन सेक्शंस में आएगा. फर्स्ट रीडिंग सेक्शन जो आपका 20 मार्क्स कवर करेगा, सेकंड राइटिंग सेक्शन विद ग्रामर जो आपका 30 मार्क्स कवर करेगा, और लास्ट है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक पार्ट जो आपका 30 मार्क्स कवर करेगा. तो द एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स विद द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स. देयर विल बी इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स. सो आपका ओवरऑल पेपर 3 घंटे का आएगा, जिसका मार्क्स टोटल मार्क्स होंगे 80, और बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट से जाएंगे. ओके, तो आपका 80 नंबर की आपको सेक्शन वाइज पता चल गया कि कौन कौन सा सेक्शन कितना कितना आएगा. अब सेक्शन के अंदर का देखते हैं. तो सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन है. इसमें आपके दो अनसीन पैसेजेस आते हैं 700 से 750 वर्ड के, उनको आपको रीड करके आंसर करना पड़ता है. दिस सेक्शन विल हैव टू अनसीन पैसेजेस ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 700 टू 750. द अरेंजमेंट विद इन द रीडिंग सेक्शन इज एज फॉलोज. फर्स्ट द फैक्चुअल पैसेज ऑफ 300 टू 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग MCQ क्वेश्चंस. जो पहला पैसेज आएगा वो आपका 8 नंबर्स का होगा, उसमें आपको 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, और जो सेकंड है द डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 350 टू 400 वर्ड्स विद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट इंटरफेरेंस एवोल्यूशंस एंड एनालिसिस एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू टेस्ट वोकैबुलरी. तो ये आपके 12 नंबर का सेकंड पैसेज आएगा, जिसमें आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड 4 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. तो ये आपका ओवरऑल 20 मार्क्स का सेक्शन हो गया. अब सेक्शन बी जो है राइटिंग एंड ग्रामर, फॉर राइटिंग टास्क देयर विल बी इंटरनल चॉइसेस. सेक्शन ए में आपको कोई चॉइसेस नहीं है. फर्स्ट पैराग्राफ जो है 8 मार्क्स का आपको एज इट इज़ अटेंड करना है, सेकंड जो 12 मार्क्स का वो भी एज इट इज़ अटेंड करना है. There will be no choices in it, but in section B you have choices. तो आपको choices दी जाएगी, उनमें से choices में आपको जो सही लगे उसको आप pick करना.
formal letter based on a given situation in about 150 to 200 words. ये आपका 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर के ऊपर. लेटर का फॉर्मेट अच्छे से देख लेना, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है फॉर्मल लेटर, तो आप फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट देखना एंड मिनिमम 3 लेटर तो लिख कर ही जाना ताकि आपको आइडिया हो जाए स्टार्टिंग लाइंस एंडिंग लाइंस क्या होनी चाहिए लेटर्स की एंड उनका टोटल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके 10 मार्क्स बहुत ईजीली कवर हो जाएंगे. फॉर्मेट्स के मार्क्स मिलते हैं आपको, ध्यान रखना जो भी फॉर्मेट लिखो बहुत सही से लिखना. और जो फोर्थ क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन इस सेक्शन का है वो राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप चार्ट रिपोर्ट लाइन ग्राफ एक्सेट्रा इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स. अब इसमें जो वर्ड लिमिट्स दे रखी हो उस पर आप प्रैक्टिस करना. 150 टू 200 वर्ड्स बहुत ईजी नहीं होते लिखने को, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो एनालिटिकल पैराग्राफ्स के बेस पे आपको कोई भी मैप या चार्ट या रिपोर्ट दे दी जाएगी, उस डेटा के बेस पे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सर्वे वाले ऐसे देखें या सर्वे रिपोर्ट्स जैसे जनरेट होती है उस चीज़ को देखें, क्योंकि उसमें मेनली आपके चार्ट्स या लाइन या मैप्स यूज़ होते हैं. तो आप उसमें सर्वे वाले चार्ट्स में देख सकते हैं. और इसकी लिमिट 150 टू 200 वर्ड है, ये भी 10 मार्क्स का है, तो ये दोनों आपके 20 मार्क्स कवर कर लेगा राइटिंग सेक्शन. अब इसमें जो 10 मार्क्स रह जाते हैं वो आपकी ग्रामर कवर करेगी. तो ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स इन क्लास 10th: टेंसेस मॉडल, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉजेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रपोजिशंस. तो ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे, इनके बियॉन्ड नहीं जाएगा क्योंकि ये CBSE NCERT के थ्रू स्पेसिफाइड है. तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा, ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा. अब इसमें आपके पास 4 और 6 दो क्वेश्चन आएंगे, 4 और 6 नंबर के. जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें क्लॉजेस, पैसेज, गैप फिलिंग एंड एडिटिंग है. तो आपने देखा होगा ऐसे कई सारे पैसेज होते हैं जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ होता है और ब्रैकेट्स में आंसर्स या कुछ मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे होते हैं और उसमें से जो करेक्ट होता है वो हमें लिखना होता है. तो ये 4 मार्क्स का एक वैसा पैसेज आएगा आपके पास. तो ट्राई करना कि आप 2 से 3 घर से प्रैक्टिस करके जाओ, तो ये 4 मार्क्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे आपके. एंड देन डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग एंड डायलॉग ऑन अ गिवन थीम, ये 6 मार्क्स का है. तो ये भी आपके 6 मार्क्स का अनदर डायलॉग राइटिंग है. डायलॉग राइटिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें भी आपके नंबर बन जाएंगे. तो 16 भी ओवरऑल आपका हो गया 30 मार्क्स का. 10 मार्क्स फॉर दिस ग्रामर पोर्शन एंड अनदर फॉर फॉर्मल एंड एनालिटिकल पैराग्राफ्स, फॉर्मल लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ्स. आप फिर से ग्रो थ्रू कर देना, मैं इसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी. देन सेक्शन सी, अब जो सेक्शन सी है सिर्फ वही एक आपके हाथ में रहता है क्योंकि आपके पास दोनों बुक्स है. तो सेक्शन सी आपका ओवरऑल 30 मार्क्स का आता है. तो पूरे 30 मार्क्स आपके हैंड में है, आपको कुछ नहीं करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है. जो भी चैप्टर्स हैं उनको गो थ्रू करिए, उनकी एक्सरसाइज गो थ्रू करिए. तो इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइसेस आएगी. तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर देखिएगा आपको कौन ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, उसी क्वेश्चन को अटेंड करिएगा. तो जो सबसे पहला है, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोइट्री ड्रामा फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इंटरप्रिटेशन. अब इसमें आपको चॉइस है कि आपको 2 चीज़ें दे दी जाएगी, या पोइट्री या ड्रामा या कुछ भी हो सकता है. उन दोनों में से आपको जो अच्छे से आता हो आप वो अटेंड करिएगा क्योंकि उसके ही दोनों क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं. ऐसा मत कर देना कि आपके पास चॉइस आई है तो आपको फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपने फर्स्ट वाले का तो फर्स्ट अटेंड कर लिया और सेकेंड वाले का सेकेंड अटेंड कर लिया. जो भी क्वेश्चन करना है आपको वो पूरी चॉइस में करना है. मतलब आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट के ही होंगे.
जो सेकंड क्वेश्चन अगर आपने सिलेक्ट किया तो उसी के दोनों क्वेश्चंस होंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन उसका और एक क्वेश्चन नीचे वाले का कर देता हूँ, मेरा तो पूरे 4 नंबर आ जाएंगे, आपको कोई कुछ नंबर नहीं दे पाएगा उस केस में। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पहले गो थ्रू करना, क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना, उसमें जो स्कीम बताई गई होगी उसको भी अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन देना, आंसर्स देना सॉरी। तो सेकंड जो है वो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड इन 30-40 मिनट्स ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसको आप क्लियरली समझ लो, आपके पास 7 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको 30-40 वर्ड्स में आंसर करना है। यू विल नॉट हैव टू आंसर ऑल द 7 क्वेश्चन, द चॉइस इज यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो आपको टोटली 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं 7 में से, लेकिन उनमें से 3 जो है वो फर्स्ट फ्लाइट के होने चाहिए और बाकी जो है वो बाकी 2 जो है वो फुट प्रिंट विदाउट फीट्स के होने चाहिए। तो आप क्लियरली इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, सीधा लिखना मत शुरू कर दीजिएगा, अच्छे से पहले स्कीम्स को पढ़ लेना, क्वेश्चन चॉइस को पढ़ लेना, उसके बाद ही आंसर को गो थ्रू करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पहले आप उसको चूज़ करना। मेरा सजेशन इंग्लिश के पेपर के लिए यही रहेगा कि आप सेक्शन सी से ही शुरू करो, और अगर सी भी नहीं है तो आप सबसे पहले सेक्शन बी अटेंड करो और फिर सेक्शन सी चूज़ कर सकते हो। बट अगर कोई आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मेरा सेक्शन सी बहुत अच्छे से तैयार हुआ हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि सेक्शन सी से ही शुरू करो। ठीक है, वन ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100-150 वर्ड ईच टू असेस क्रिएटिविटी इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। अब जो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो ये दोनों बार है, जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है, वन ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑन थीम्स ऑफ प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस और कैरेक्टर स्केच टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके दोनों बुक्स में से आएंगे और ये 88 नंबर के हैं, दोनों बुक्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। चॉइस है आपको कि आप कोई भी आंसर करना, या हो सकता है इसमें चॉइस ना भी हो, आप अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों बुक से एक एक क्वेश्चन आएगा और मेनली आपको इसमें दे रखा है देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में कि ये मेनली आपको कैरेक्टर स्केच से भी पूछ सकते हैं या कुछ भी आपको सिचुएशन दे देंगे उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ट्राई करना, बेटर हार्ड ट्राई कि आप सारे आंसर्स सही दे पाओ। कैरेक्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करना, उसमें जो रिदम्स हैं मेटाफर्स है आयरनी है सारे चैप्टर्स में सब कुछ होता है, तो आपको सब कुछ ध्यान रख के चलना है। ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं और पोएम्स में तो मेनली आपको यही पूछा जाता है, और जो ऑथर के नाम है अच्छे से पढ़ कर जाना पोएम्स में, बाकी इजी होता है इंग्लिश तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेक्शन सी जो है वो कवर हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है, 88 मार्क्स, 16 नंबर आपके ये दोनों, वन वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच बुक, ये आपके 16 मार्क्स कवर कर गए। देन 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड अनदर 2 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो ये आपके 10 मार्क्स हो गए। तो 16 + 10 26 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विद 2 मार्क्स ईच, तो वो आपके 4 नंबर हो गए। तो 26 + 4 30 नंबर आपके पूरे हो गए सेक्शन सी के। अच्छे से पढ़ना सेक्शन सी, और यही जो सेक्शन है वो आपके इन हैंड है। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाना। फिर आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं NCERT के थ्रू वो आप देख लीजिए, फर्स्ट फ्लाइट मैंने आपको जैसा कि बताया था, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। अब ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आपको अगर नहीं मिली होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे ऑनलाइन ढूंढ कर आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, बाकी गारंटी नहीं देती, अगर ये मिल जाती है तो मैं पक्का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
बाकी दोनों बुक्स आपके पास हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके 5 मार्क्स के हैं, और जो 20 मार्क्स है 80 के अलावा जो 20 मार्क्स है वो आपके स्कूल से जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे FA में आप अच्छे से करिए परफॉर्म, तो ओवरऑल आपकी जो भी वेटेज है वो अच्छी चली जाएगी। इसी के थ्रू हमारा इंग्लिश का सिलेबस एंड पैटर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी। थैंक यू।